This conference will now be recorded. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 26वां अध्याय कल देखा था, शायद 2 दिन पहले. तो दूसरा जो उसका जो शेष भाग था, खास करके स्थानिक रक्त मोक्षण के विषय में, वो रिमेनिंग चैप्टर आज हम देखने वाले हैं. विशेषतः उसमें जो उल्लेख या विस्तार से वर्णन है वह जलोकावचरण विधि का है. इसलिए मैंने आपको मैसेज या ऑनलाइन लेक्चर का मैसेज लिखते वक्त जलोकावचरण ऐसा आज का टॉपिक लिखा था. हालांकि उसमें स्थानिक रक्त मोक्षण के और भी जो प्रकार है, जैसे अलाबू, श्रृंग, इनका भी वर्णन है, लेकिन वो संक्षिप्त में. तो आगे जाएंगे. हमने 2 दिन पहले जो लेक्चर इस अध्याय का खत्म किया था, उसमें हमने अणु शस्त्रों का वर्णन देखा था. शस्त्र विधि अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं शेष भाग. सबसे पहले हमने चर्चा समाप्त की थी अणु शस्त्र कौन कौन से है, और अणु शस्त्रों में जिन चीजों की गणना की गई है उसमें सबसे पहले आता है जलौका, यानी मेडिकेटेड लीच. और उसके बाद में शस्त्र कोश भी हमने देखा था. और शस्त्र कोश के वर्णन के बाद तुरंत चालू हो जाता है, वह है जलौका उच्चारण या जलौका विधि के विषय में चर्चा शुरू होती है. आगे जाएंगे. तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, अनुशस्त्र यह हमने एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर देखे थे, उसको रिवाइज करेंगे हम कनेक्टिंग विद द टॉपिक के लिए. जलौका, शारदहन, काच, उपल, नखादयाहा, अलौहानि अनुशस्त्राणि, तानि एवं च विकल्पयेत, अपराणि अपि यंत्रादीनि उपयोगं च यौगिकम्. तो मेडिकेटेड लीचेस, कॉस्टिक अल्कलीज, फायर, ग्लास, उपला यानी ड्राई काउ डंग, नख, विविध प्रकार के स्टोन्स, वो नॉन मेटालिक तौर पे उनको हमने गणना की है अष्टांग हृदय का. और उसमें सुश्रुताचार्य स्फटिक, बंबू, इन चीजों की भी गणना की है उन्होंने. तो जैसा कि मैंने कहा, विषय प्रवेश ग्रंथ के श्लोकों में करने से पहले वी हैव टू टेक सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी अबाउट. दिस इज वेरी मच फेमस थेरेपी दैट इज कॉल्ड एज अ लीच थेरेपी एंड वर्ल्ड वाइड इट इज वेरी पॉपुलर. इवन दो इट इज नॉट प्रैक्टिस इन जनरल, इट इज अ स्पेशलाइज थेरेपी. और आयुर्वेद का जो रक्त मोक्षण नामक 5वां कर्म है पंचकर्मों से या शोधन कर्मों में से, उसके लिए स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए विशेषतः इनका उपयोग किया जाता है. तो हमने ये जानना चाहिए कि ये फाइलम एनेलिडा, ठीक है, इस प्रकार का ये प्राणी है या जलचर प्राणी इसको हम कहेंगे. और ये रक्त के सिवा या खाने के सिवा बहुत दिनों तक जला जीवित रह सकती है, लेकिन जल के सिवा, पानी के सिवा वो बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती. इसीलिए उनको जलौका कहा जाता है. जलम आसा आयु इति जलायुका, ठीक है. तो इस प्रकार से जल ही उनका जीवन है, इसलिए उनको जलौका कहा गया है. ये अभी हमने सुश्रुत संहिता का श्लोक देखा. जल इज लाइफ फॉर देम, दैट्स व्हाई. उसके कुछ और भी पर्याय अन्य ग्रंथों में आए हैं, जलागी, ठीक है, जलार्गी, जलासिका, जलसर्पिनी, क्योंकि सर्प के समान वो पानी में तैरती है या स्विम करती है. इसलिए अभी ये 4 आपको विभिन्न आकृतियों वाले या आकार और वर्णों वाले आपको जलों का दिखाई दे रही है सामने स्क्रीन पे, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. वो तीसरी जो है वो मेडिसिन प्रॉपर्टी वाली है, बाकी जो 3 है वो निषिद्ध है. तो ये उसका जूलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे.
किंगडम कौन सा है, तो एनिमालिया। और उसका बॉटनिकल सॉरी बायोनॉमिकल जो नेम है वो हमारी दृष्टि से बायोनॉमियल नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है, हिरिडो मेडिसिनालिस। तो जलौका की विभिन्न जातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से ये स्पेसिफिक जो है उसका प्रयोग हमने थेरेपी के लिए या चिकित्सा के लिए करना है। इसको हम आकृति भी अगर देखेंगे तो आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे जॉज ऐसे लिखा है और नीचे जो है ये पोस्टेरियर सकर है, तो इस दिशा में वो स्वयं करती है और ये सकर जो है वो बेस या क्रिप करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी सपोर्ट के लिए। और जो आचूषण करेगी तो वो ये जॉ से करेगी, ठीक है। तो बाकी जो डिटेल्स है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमने जानना है कि है क्या हिरिडो मेडिसिनालिस। ये सबसे पहले आज की तारीख में देखें तो 650 नॉन स्पेसीज है जलौका की या लीचेस की, और जनरली इनकी जो साइज रहती है वो 5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और सामान्यतः उसका कलर जो रहता है, वर्ण जो रहता है वो ब्लैकिश या ब्राउनिश रहता है, ठीक है, या सिर्फ ब्राउन या डार्क ब्लैक भी वो हो सकती है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की भी वो रहेगी। लेकिन उसमें से हिरिडो मेडिसिनालिस जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा वो हम जा यूज करने वाले या करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक वैरायटी इंडिया में पाई जाती है उसको हिरुडानीरिया ग्रैनुलोसा कहते हैं। अभी आगे जाएंगे तो सबसे पहले टू सकर ऐसे कहा है यहाँ पे, उसके एंटेरियर और पोस्टेरियर रहते हैं। पोस्टेरियर जो है वो सकर नहीं है एक्चुअली, वहां से आचूषण क्रिया नहीं होती, लेकिन वो एक प्रकार से सक्शन एक्टिविटी से बेस लेता है या चिपका रहता है पीछे वाले पार्ट से, इसलिए उसको भी सकर कहा गया है, ठीक है। और जब भी बड़ी वाली साधारण मध्यम से लेके बड़ी वाली जलौका रहेगी और वो आचूषण करके फिर हम वहां पे ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, तो कुछ वहां ड्रेसिंग के बाद जो बाइट आपको दिखाई देगा ड्रेसिंग से पहले या फिर ऊंड हील होने के बाद भी, बारीक सी जख्म भी रहती है वहां पे, वो हील होने के बाद आपको वहां पे शेप रहेगा तो वाई शेप आपको दिखेगा। आगे जाके इसके थोड़े से सकर्स के जो माउथ साइड के या एंटेरियर सकर जो है उसके डिटेल्स भी हम चित्र देखने वाले। तो आते हैं विभाजन की ओर। जैसे आपको ज्ञात है कि चरकाचार्य जी ने शोधन चिकित्सा या पंचकर्म जो है वो 5 कौन कौन से बताए हैं, वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य, ठीक है। तो चरकाचार्य जी ने रक्त मोक्षण की गणना पंचकर्म में नहीं की है, और हमें पता है कि सुश्रुताचार्य जी वो जो धन्वंतरी संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक है, उन्होंने रक्त मोक्षण का इंक्लूजन जो है वो पंचकर्म में किया है, और उन्होंने पंचकर्मों की गणना जो की है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ठीक है। और उनका ही अनुसरण करते हुए अष्टांग हृदयकार या अष्टांग संग्रह में भी पंचकर्म सुश्रुताचार्य जी ने जो 5 बताए उनका ही अनुसरण किया गया है। तो यह आप सामने जो चार्ट देख रहे हैं, रक्त मोक्षण को अंग्रेजी में ब्लड लेटिंग थेरेपी भी कहा जाता है, तो विशेषतः शस्त्र प्रयोग से और अनुशस्त्र प्रयोग से इस पद्धति से वो की जाती है। शस्त्र प्रयोग यानी वहां पे वेनिसेक्शन या सीरा वध किया जाएगा, और अनुशस्त्र में शस्त्र का या ज्यादा उसमें जो रक्त का मोक्षण, मोक्षण माने वो बाहर निकालना, उसको मुक्त करना रक्त को, तो उसका ज्यादा प्रमाण नहीं रहता। और उसके 4 उप प्रकार है, जैसे जलौका से किया जाता है, श्रृंग से किया जाता है, अलाबु से किया जाता है और घटी यंत्र से भी किया जाता है। ये घटी यंत्र क्या है, अलाबू क्या है, हम आगे देखने वाले। तो ये 4 जो है सामने अभी वो हमें ज्यादा उसके डिटेल्स समझाने में सहायक रहेगा। सबसे पहले तो एक्टिव जो है और पैसिव जो है, तो विश्रावण ये इसमें क्रिया है और
विसरावन यानी क्या करना है आपको, प्रच्छन्न यानी सुपरफिशियल आपको छेद लेने हैं उस स्थान पे, और उसको अपने आप श्रावण होने देना है। और अगर आपको ज्यादा उसमें रक्त मोक्षण करना है तो उसके लिए और कुछ हमें जैसे साधन उपयोगी होंगे, जैसे कि अलाबू, ठीक है, श्रृंग, पैसिव जो मोस्ट फेमस है वो जलौका का उस चीज के लिए, ठीक है। तो आगे जाएंगे, इसके बाद विशेषतया जो नेक्स्ट टाइप है उसकी विस्तृत से हम व्याख्या करेंगे बाद में। फिर अभी आते हैं श्लोक अष्टांग हृदयकार ने जो हमें मार्गदर्शित किए हैं उनकी तरफ। तो विशेषतः जलौकसा तु सुखिनाम रक्त श्रावाय योजये, ऐसा यहाँ पे हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो जलौका का जो उपयोग करना है वो विशेषतः या शब्द उपयोग किया है सुखी नाम रक्त श्रावाय, जो सुखी व्यक्ति है उन्होंने उनके लिए प्रयोग करना है। सुखी व्यक्ति यानी क्या, तो सुकुमार व्यक्तियों के लिए। सुकुमार इस कैटेगरी में बाल वृद्ध, ठीक है, या तारुण में भी कोई जो रक्त मोक्षण के लिए वेनेसेक्शन या शिरावेद के लिए तैयार नहीं होंगे लेकिन उनको रक्त मोक्षण आवश्यक है, ऐसे कुमारियाओं के लिए या स्त्रियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको सुखी नाम रक्त श्रावाय, सुखी या सुकुमार व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि ये एक बार में एक जलौका ऑन एन एवरेज कितना ब्लड निकालती है, तो लगभग 5 से लेके 15 ml तक उनकी कैपेसिटी जो है शरीर आकार मान की दृष्टि से भिन्न भिन्न रहती है, तो इतना वो रक्त बाहर निकालती है, रक्त मोक्षण के लिए वो उपयुक्त है। और जहां लोकल एक्यूमुलेशन है, दोषों का विशेषण है, तो वहां से स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त ये थेरेपी या विधि है। आगे इन जलौकाओं के दो मुख्य प्रकार बताए हैं कि सभी जो जलौकाएं हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं करने वाले मेडिकेटेड पर्पस के लिए या थेरेपी के लिए एज अ मेडिसिन। उनमें से कुछ ही जो प्रकार है निर्विष प्रकार, उनको हम उपयोग करने वाले। तो जो यहाँ पे अष्टांग हृदयकार हमें वर्णन करते हैं, तो विशेषतया उन्होंने दुष्टाम्बु मत्स्य इत्यादि श्लोक में जो वर्णन किया है वो सबसे पहले त्याज्य जलौकाओं का वर्णन किया है। तो त्याज्य जलौकाएं जो है वो विशेषतः दूषित जल में अथवा जो मृत प्राणी है जैसे मछली, मेंढक, सांप इत्यादि प्राणियों के शवों के सड़न से अथवा मलमूत्र मिश्रित कीचड़ से पैदा होती है, यानी कि उनकी उत्पत्ति ही मूलतः जो है वो मल से या हम कहेंगे सड़े हुए पदार्थों से है। उनका वर्ण बताया है लाल, सफेद, अधिक काली, अधिक चंचल, आकार में बड़ी और चिपचिपी, यानी उसे आप हाथ में पकड़े तो आपको ज्यादा वो स्लिपरी रहेंगी। और इनके पीठ पर विशेषतः इंद्रधनुष के आकार की विचित्र ऐसी रेखाएं आपको मिलेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस चित्र के बारे में जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो बाद में चर्चा करेंगे, उसमें से तीसरी जो है वो मेडिसिनल पर्पज की है और बाकी की ये जो तीन दिखाई है यहाँ पे वैरायटी वो त्याज्य है। तो इसको सविष जलौका या पॉइजनस जलौका इनको कहेंगे। तो ये जहरीली होती है और इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी निर्विष जलौकाओं को जाने से पहले हम सबसे पहले इनको भेद की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्यों में आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो वातावरण कैसा रहे, तो सविष जलौकाएं जो है वो विशेषतः डीकम्पोज मटेरियल जो है सड़ा हुआ जो प्राणियों के अंग है जैसे मछली वगैरह हमने देखे थोड़ी देर पहले, या उनके मलमूत्र है वहां पे पैदा होगी। और निर्विष जो है
ये विशेषता पैदा होगी जो डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर से होगी, और विशेषता वो क्लियर यानी शुद्ध पानी में रहेगी। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ओरिजिनेट मतलब वहां से थोड़ी पैदा होगी, वो इस मटेरियल से थोड़ी पैदा होती है, तो उसके ऊपर वो निर्भर होती है या वो उसका आहार होता है, ऐसा हमने समझना चाहिए। आगे दूसरा भेद देखेंगे, सविज जलौकाएं जो है वो बीच में मोटी होती है, ठीक है, और बीच में ही मोटी रहेगी, और उसका आकार जो है थोड़ा सा दिखने भी विचित्र रहेगा, जैसा हमने यहाँ पे देखा। देखिए ये जो है तो आकार आपको इतना प्लेजेंट उसका नहीं लगता, हालांकि कुछ लोगों को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले भी ठीक नहीं लगेगी, लेकिन ये हम ट्रेडिशनली यूज करते आए बरसों से, और बहुत इफेक्टिव ऐसी रक्तमोक्षण का तरीका है। ये जो निर्विष रहेगी वो स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, मतलब वो बहुत ही चपल और उनका शरीर गठा हुआ होता है। ओके, और तीसरी इनसे भेद करने के हमें लीन इन बोथ एंड्स, यानी दोनों ओर को वो बिल्कुल ही लीन यानी हम कहेंगे उसके छोर जो है आगे के बहुत ही कम होते जाएंगे, और निर्विष जलों का जो है उनके सकर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे क्लियरली, ना एंटेरियर सकर और पोस्टेरियर सकर। सभी जलौकाओं की मूवमेंट जो है उनकी गति जो है वो स्लो रहती है और वो पड़ी हुई रहती है एक जगह, अगर आप ये किडनी ट्रे में निकालेंगे यूज करते वक्त या बॉटल में भी उसकी आप हलचल देखेंगे तो वो कम रहेगी, और निर्विष जो है वो बिल्कुल चंचल रहती है, फास्ट स्विम करती है वो पानी में। ठीक है, और हमने ये पहले भी देखा है, आगे का जो पॉइंट है पांचवा वो दिखने में थोड़ा सा भद्दा दिखाई देती है, बदसूरत दिखाई देती है, और अगर हम उसको पकड़ने का प्रयास करें तो वो स्लिपरी रहती है, क्योंकि उनका स्लाइमी एक द्रव जो है उनके शरीर के ऊपर रहता है, ये सभी जलौका का मैंने बताया। और निर्विष जो है उनको ब्लू कलर लाइनिंग इन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, यानी उनका पेट का भाग कहेंगे हम, वो जो है उसमें एक ब्लू कलर की बीच में लाइन दिखाई देती है। और सभी जलौकाएं बिल्कुल कम मात्रा में रक्त का शोषण करती है, और ये जो है वो विशेषतः उनका जो रक्त का प्रमाण है आचूषण का वो क्रियावान होने की वजह से ज्यादा होता है। और इनमें यहाँ पे फिर एक पॉइंट जो बताया है वो कषाय यानी कत्था कलर जो है उनका बैक साइड का रहता है। ठीक है, ये पेट साइड का कलर रहता है और ये बैक साइड का कलर ऐसे रहता है। ठीक है, अभी जाएंगे वापस निर्विष जलौकाओं के ग्रंथ में जो वर्णन आए हैं उनकी तरफ हम जाएं। इसको निर्विष जलौका विच आर द सेज लीचेस वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट नाउ, और उनको ग्राह्य जलौका भी कहा जाता है। हिंदी में जलौकाओं को जोंक भी कहते हैं, ठीक है, जे ओ के ई नहीं, ना जे ए यू एन के, जोंक। इस प्रकार से जो जोंक साफ जल में पैदा होती है वह निर्विष रहती है, उसका वर्णन सांवला, शरीर लंबा और गोलाकार होता है। अभी जैसे हमने देखा कि उसकी पीठ के ऊपर नीली रेखाएं होती है और पीठ जो है वो बरगद वृक्ष की छाल जैसा होता है, और ये मैं जो शब्द आपको बता रहा हूँ कषाय पृष्ठाः तनु अंगाः, इस प्रकार से उनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। वे पतले आकार की होती है और इनके पेट पर जो वर्ण रहता है वो किंचित पीतोदराश्च यहाँ, तो पेट की तरफ यहाँ पे भी आप देख सकते हो किंचित जो है वो येलोइश कलर उनका रहेगा इस प्रकार से। अभी देखिए और उसके कुछ डिटेल्स ता अपि असम्यक वमनात यहाँ पे दिए हैं, तो उनको हम देखेंगे। वे जो है अच्छी अर्थात उपयोग में लाने योग्य जो जो रहती है वह रक्तपान करते समय भली भांति वमन न कराया गया हो अथवा रक्त चूषण के लिए उन्हें बार बार लगाने के बाद पानी में डाला जाता है तो वो दुखी यानी उनकी मूवमेंट जो है बिल्कुल श्लगिश रहती है, तो ऐसे जलौकाएं रक्तपान करने से पहले मदमत्त तो हो जाती है और इसलिए उनको त्याज्य समझना चाहिए। अभी ये जो तापी असम्यक वमनात ये जो बताया है वो आपने तो निर्विष जलौकाएं ली, लेकिन
उनमें से भी कौन सी उपयुक्त उपयोग नहीं करनी चाहिए उनके बारे में ये श्लोक आया है कि उनकी मूवमेंट स्लगिश रहती है, बार बार आप उसको क्रिया करने के लिए यूज करोगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे उनका बिल्कुल भी। अगर वहां पे रक्त दृष्टि आपको दिखाई दे रही है और अन्य कुछ कारण नहीं है, जैसे उस पेशेंट या व्यक्ति ने क्रीम लोशन या कुछ ऑयल नहीं लगाया है, यानी ये नहीं लगाना चाहिए एक्चुअली, नहीं लगाया फिर भी वो नहीं लग रही है, वहां पे काम नहीं कर रही है, सकिंग नहीं कर रही है, इसका मतलब ये जलोकाय त्याज्य है, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रायः इसका कारण जो है प्रीवियसली यूज जलोकाएं जो रहती है उनका वमन अगर अच्छा से ना कराए तो उनको इंद्रमद नाम का ज्वर होता है और वो मर भी सकती है उसमें से। इसीलिए पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म भी जलोकावचरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे जाएंगे। ये तो हमने इसके नामकरण भी यहाँ पे दिए हैं और ये खास करके अष्टांग संग्रह में उनके नाम के साथ वर्णन आया। तो विशेषतः कपिला कृष्णा, कर्पूर, अलागर्द, ठीक है, ये प्रकार के नाम है पॉइजनस लीचेस की या सविष जलों का, और जो हम यूज करेंगे मेडिसिनल पर्पस के लिए उनके नाम है पिंगला, कपिला, पुंडराक्षी, ठीक है, सावरिका, मुशिका और विशेषतः सनमुखी, ठीक है, शन कामुकी, सॉरी। ये जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये सकर्स है विशेषतः। देखिए यहाँ पे आप वाई शेप इजीली देख पाओगे इस सकर का, इस लेफ्ट साइड के चित्र को। और यहाँ पे ये सकर अगर ओपन हुआ तो वो कैसे दिखेगा ये आपको ध्यान में दिखाई, ठीक है। आपको ये सो देख के जो विद्यार्थी नवीन देख रहे हैं उनको थोड़ा सा डरावना लगेगा, लेकिन ये छोटा प्राणी है बिल्कुल, अपने क्या कहते हैं उसको, मराठी में गोगल गाय कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, स्नेल, स्नेल अंग्रेजी में कहते हैं, उसके जितना ही बड़ा रहता है ये। और ये दोनों शकर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एंटेरियर शकर है, ये पोस्टेरियर शकर है। इस प्रकार वो ऐसे शरीर को आगे चलती है, फिर ये सकर छोड़ती है आगे जाती है, फिर ये सकर पहला सकर वहां पे चिपकाएगी, फिर दूसरा सकर आगे लेगी, इस प्रकार से उसकी मूवमेंट चलती रहती है सरफेस के ऊपर। पानी में तो ये स्विम करती है बिल्कुल, ठीक है। और बीच बीच में ग्रंथ के जो श्लोक है उसमें मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा एक प्रकार का आप समझो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके दिमाग में केवल मैं ग्रंथों का बताऊंगा तो शायद ये काम कैसे करती है, इसके पीछे साइंटिफिक आज की भाषा में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री में क्या इसके अर्थ रहेंगे वो भी आपको थोड़े समझ में आए तो आपको शास्त्र के ऊपर का विश्वास और दृढ़ होगा। तो विशेषतः इस मेडिकेटेड लीच की सलाइवा जो है, स्राव जो है उसका, लाला स्राव, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स केमिकली बायोकेमिकली रहते हैं, देखिए हिरुडीन, ये सबसे जिससे उसका नाम पड़ा है, ये एक एक्टिव मेन इंग्रेडिएंट है उसमें। तो ये क्या है, एक पावरफुल एंटी कॉगुलेंट है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ओके। और दूसरा है वो है हायलुरोनिडेज, ये क्या है, तो ये विशेषता ब्रेक्स डाउन द हायलोरनिक एसिड, और इससे क्या होता है एज अ स्प्रेडिंग फैक्टर, इट ओपन्स द इंटरसाइट्स पेविंग द वे फॉर अदर एक्टिव सब्सटेंसेस इन लीच सलाइवा टू रीच द डीपर टिश्यू। तो इससे क्या होता है, आपको तो रक्त की प्रॉपर्टी मालूम है, वो जैसे ही शरीर से बाहर आएगा वो क्लॉट हो जाए। तो ये हिरुडिन है और ये जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ना, तो इसकी वजह से फर्स्ट इंग्रेडिएंट की वजह से वो क्लॉट नहीं हो, दूसरे इंग्रेडिएंट की वजह से ये असर जो है उसका डीप टिश्यू तक जाता है, यानी जिस शरीर को लगेगी उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे जो है वो डेस्टाबैलेज है, तो ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ये फाइब्रिन को डिजोल्व करता है, ये थोड़े ज्यादा डिटेल से, एग्लिन ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोटीन है, क्यालिन ये अगेन इनहेबिट्स द ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। और कुछ इसके और इंग्रेडिएंट एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसमें वैसोडायलेटर है, ठीक है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने वाले भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये हो गए उसके बायोकेमिकल कंपोनेंट्स।
तो जैसे वमन विरेचन हमने बस्ती ये सब देखा, धूम्रपान नशे इत्यादि, तो उन कर्मों में भी पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इसके ऐसे उसके विभाग हमने किए थे या ग्रंथकारों ने भी किए हैं, वो समझने के लिए अच्छे ज्यादा उपयुक्त रहते हैं। और उसी प्रकार से हमने चिकित्सा में भी उसकी तैयारी करनी चाहिए या उसका अवलंब करना चाहिए। उसी प्रकार से रक्त मोक्षण के लिए भी पूर्व कर्म है, और उसमें प्रिपरेशन ऑफ लीज यानी आपको जो लौकाओं को तैयारी करना है, कैसे करना है वो देखेंगे आगे। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की कुछ तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अब आगे प्रधान कर्म, और प्रधान कर्म में साक्षात जलौकाओं को लगाना और उनको ऑब्जर्व करना, वो अच्छे से काम कर रही है, उसको काम करने के लिए सहायता करना जलौकाओं को, वो देखेंगे कैसे करना। और तीसरा पश्चात कर्म, ठीक है, ये तीसरा विभाग है। इसमें पश्चात कर्म में वो जलौका जो है उन्होंने शक किया और ब्लड वॉमिट करवाना होता है, उनका वमन करवाना होता है जलौकाओं का, नहीं तो उनको वो व्याधि होने की आवश्यक संभावना ज्यादा रहती है या वो मर भी सकती है, ठीक है। और पेशेंट का ड्रेसिंग इत्यादि क्रिया, इन सभी के लिए हमें जो मटेरियल लगेगा, ड्राई कॉटन पीसेस लगेंगे, ठीक है, कॉटन हमें वो बैंडेज भी लगेगा, टर्मरिक हमें, हल्दी लगेगी, शहद लग सकता है, शर्करा लग सकती है, सबसे महत्वपूर्ण बात लीच हमें लगेंगी, मेडिकेटेड लीच। अब फिर श्लोकों की तरफ आते हैं, ग्रंथ में जो लिखा है उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जलौकाओं को लगाया जाता है, एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग द लीचेस, ठीक है। तो वो क्या है, तो जोंक रखने एवं लगाने की विधि यहाँ पे हम देखेंगे। तो जोंक निर्विष हो इसलिए उनको कैसे पलखे, देखिए सबसे पहले ये पूर्व कर्म है, हल्दी के कलश से मिले हुए जल में या कांजी से या मट्ठा यानी कोई अम्ल द्रव्य है, तो ऐसे पानी में, ये द्रव्य है, ऐसे पानी में जलौकाओं को छोड़ना है, ठीक है। तो उसमें अगर उसमें कोई प्रीवियस ब्लड उसके पेट में है तो वो वॉमिट कर देती है, और उसमें वो बिल्कुल चंचलता से अगर स्विम करे तो हम समझ जाएंगे कि ये जलौका जो है वो पूरी तरह योग्य है उपयोग करने के लिए। यदि वे मनुष्य के शरीर को नहीं पकड़ रही है, ओके, तो उसको क्या करेंगे, ये देखिए इस बोतल में जो रखी है यहाँ पे, ये जो नैरो पोर्शन है ये उसका मुंह वाला भाग है, और ये पूंछ वाला या पोस्टेरियर एंड है हम कहेंगे, तो ये बीच में यहाँ उसको पकड़ेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वो सक करना चालू करेगी। कभी कभी क्या होता है कि वो नहीं पकड़ती है, तो नहीं पकड़ती है ऐसे स्थिति में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तो दूसरा कोई उसके लिए हमें पर्याय खोजना पड़ेगा। पर्याय क्या, ऑप्शन क्या रहेंगे, तो उसको वहां को कुछ व्यंजन उसको लगाने पड़ेंगे। उस व्यंजन से क्या होगा पता है, उसको एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा कि भाई यहाँ पे लगना है, तो उस अट्रैक्शन के लिए जो विभिन्न क्रियाएं यहाँ पे बताई है, तो उसमें विशेषतः घी, मिट्टी, स्त्री का दूध वगैरह, ये चीजें वहां पर लगाने के लिए कहा है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण तरीका तो ये है कि वहां पे अगर आप थोड़ा सा एक स्टराइल नीडल से बिल्कुल वहां पे आप छेद करोगे और थोड़ा सा रक्तस्राव अगर हो जाएगा, तो इससे बहुत ही उसको जो है इजीली वो लग जाएगी। तो ये तरीके हैं, यानी मैंने जैसे बताया, तो वहां पे क्रीम लोशन वगैरह इत्यादि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ओके। इसलिए वहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वेट कॉटन से उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, ठीक है। देखें बीच में आपको हम थोड़ा सा वो स्लाइड दिखाएंगे, सॉरी वीडियो दिखाएंगे, तो इससे आपको थोड़ी सी और आसानी होगी समझने में क्या कर। तो देखिए यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, ये शक्कर है आगे का जहां पे वो लग गई है, ये त्वचा विकार का पेशेंट है, देखिए वहां पे आप मूवमेंट भी देख सकते हैं उसको, वो सकिंग कैसे कर रही है, क्लोजअप देखिए आप, देख रही है आप मूवमेंट,
तो ये अपर एंड है उसका और ये पोस्टेरियर एंड है, ठीक है। इस प्रकार उसको जानना है। अगर आपको और कुछ इसके बारे में प्रैक्टिकल जब भी देखेंगे तो और अच्छा उसमें समझ में आएगा, लेकिन अभी डिस्टेंस एजुकेशन से इतना ही संभव है जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए उनको क्या करना है, तो कुछ कुछ चंचल रहती है बिल्कुल, वो बिल्कुल खाली पेट है फिर भी नहीं लगती, तो ऐसे वक्त उनको वहां पे अच्छे से उस रुग्ण के शरीर का जो भाग है उसको क्लीन करना है वेट कॉटन से, ठीक है। वहां पे कोई स्मेल अगर रहे, और एक बात है प्रैक्टिकल कि वहां पे अगर बाल ज्यादा है तो बाल ज्यादा होने पे भी जलौकाएं लगने में असमर्थ रहती है या बहुत ही वो टाइम लेती है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले वहां पे आप ये चीजें लगा सकते हो, जैसे स्त्री का दूध है या रक्त है, या सबसे अच्छा बात मैंने बताया कि वो शहद भी आप वहां पे लगा सकते। अब देखिए वो लगी है, इसका अगर आपको ये देखना है तो मैं आपके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हुड ऐसे बनता है उसका, एक प्रकार से हुड बनता है, और एक हुड की और एक अच्छा चित्र यही अपने स्लाइड्स में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हुड अगर बन जाए लगाते वक्त, देखिए ये हुड बिल्कुल इस चित्र में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, या इस चित्र में भी, इस ये जलौका में भी, इस प्रकार का एक हुक शेप उसको बन जाता है, तो समझना चाहिए कि ये वहां पे लग नहीं। जब वह अपने कंधे को ऊपर करेगी, उठा लेगी, तो समझ ले वह रक्तपान कर रही है। तो श्लोक में बताया है 41 श्लोक में, पिबंती ही उन्नत स्कंधा, ओके, इस प्रकार से वर्णन है। और ऐसे स्थिति में उसको क्या करना है, वो एक बार ऐसे उन्नत स्कंध उसने कर लिया, हुक शेप आ गया, तो उसके ऊपर कोमल वस्त्र से उसको ढक देना चाहिए, उसको छादये मृदुवाससा। तो आज के परिपेक्ष में हम एक पतला कॉटन का पीस लेंगे, उसको पानी में डुबोएंगे और उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये जैसा कि आपने यहाँ देखी, ये इसीलिए तैयार किया है, ये इसके ऊपर था लेकिन दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और इसके लिए निकाला था, क्योंकि ये मैंने किया हुआ ही वीडियो है इसलिए मुझे पता है, और फिर उसको बाजू में रख दिया। तो इसको अगर उसके ऊपर रहेंगे तो उसमें जल में ही वो है, या वो क्या कहेंगे, मॉइस्चर उसको अच्छा रहेगा और वो अच्छा काम करेगी। तो इस प्रकार से इसको जलौकावचरणी अध्याय के हम प्रोसीजर के डिटेल्स देख रहे हैं। अभी ये जो है ये पूरी तैयारी यहाँ पे दिखाई गई है। तो सबसे पहले जैसे देखा हमने कि ये टर्मरिक वाटर है, ठीक है, तो टर्मरिक वाटर में इसको पहले रखना है, ऐसा हम किडनी ट्रे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्या बोले नीडल दिखाई देगी, अगर जलौका नहीं लग रहा है तो ये नीडल से, स्टराइल नीडल से आप इसको प्रिक करोगे तो वहां पे आसानी से जलौका लग सकती है, ओके। तो यूज करने के बाद वो अपने आप निकल जाती है, उसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद, और फिर उसको हल्दी पानी में डालना है, या उसका जो एंटीरियर सकर है उसको हमने ये जो टर्मरिक का कल्क है, हल्दी का कल्क है, उसको उसको उसके पास ले जाना है, उसमें डुबाना है, तो अपने आप वो वॉमिट करने रखती है इस ट्रे में, आप देखो, ठीक है। आगे जाएंगे, यहाँ पे जो मैंने अभी जो चीज बताई आपको कि संपृक्तत्वा दुष्ट शुद्ध स्त्राव, इस श्लोक में विशेषतः मिले हुए दूषित तथा शुद्ध रक्त में से पहले जो दूषित रक्त को चूषित करती है, तो यहाँ पे एक उपमान प्रमाण का उत्कृष्ट उदाहरण दिया है, आदत्ते प्रथमम हंसाः क्षीरम क्षीरोदकाद्युव। तो किस प्रकार से वो, क्योंकि शरीर में तो दुष्ट और अदुष्ट रक्त ऐसे कुछ कंपार्टमेंट है नहीं, तो दुष्ट को ही कैसे आचूषण करेगी, इसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे हंस को ये निसर्गदत्त देनगी, या उसको कहेंगे गिफ्ट है, कि वो दूध और पानी अगर मिलाया जाए तो उसमें से दूध ही लेता है, तो वैसे ही जलौका विशेषतः पॉइज नॉन पॉइजनस मेडिकेटेड लीचेस जो है उनमें ये
भगवान ने दी हुई शक्ति है या उसे कहेंगे बॉडी नेचर है, तो वो उसी को आशीषण करे। अभी देखिए, आपको लगेगा कि भाई ये आयुर्वेद में ऐसी बातें क्यों कही गई है। अगर हम ये कैपेसिटी मान लेते हैं कि भाई मनुष्य के नेत्रों की क्षमता कहाँ तक देखने की है, ठीक है, कुत्ते को सुनने की क्षमता बहुत लंबी तक होती है, ये तो हमें पता है। यानी किसी किसी प्राणी को, विशिष्ट प्राणी को विशिष्ट शक्ति है, उसमें उस प्रकार के उसकी शरीर की रचना है, शरीर की क्रियाएं वैसी है ना, भगवान ने दी हुई या आप कहोगे खुद से निर्मित, ठीक है, स्वभाववाद से। तो जलौकाओं को वैसी ही एक प्रकार के हम कहेंगे उनकी बॉडी नेचर है कि वो जैसे हंस दूध और पानी मिलाया जाए तो दूध ही लेता है, और वैसे ही जलौकाएं केवल अशुद्ध रक्त जो है वो शरीर में से लेती है। आगे जो वर्णन है वो किन व्याधियों में जो ज्यादा उपयुक्त तो है उसका वर्णन है, गुल्म, अर्श, विद्रधि, देन एप्सिस, विविध प्रकार के कुष्ठ, त्वचा विकार, जो आप सामने इस चित्र में भी देख रहे हो, एक प्रकार का ये विचर्चिका यानी एक्जिमा जिसे कहते हैं, ऊजिंग एक्जिमा में भी यूज की जाती है, गला विकार यानी थ्रोट डिसीजेस, रक्त के विकार, नेत्र के विकार, और पॉइजनस ऐसे, और विसर्प जिसे हम नागिन भी मराठी में कहते हैं, तो इन विकारों में, हर्पिस भी कहते हैं उसको अंग्रेजी में, इन विकारों में विशेषतः इसका उपयोग किया जाता है जलौकाओं। अभी ये कंपेरेटिव चार्ट दिया है तो चरकाचार्य जी ने किन व्याधियों में वर्णन बताया है, सुश्रुताचार्य जी ने इंडिकेशंस क्या बताए हैं, और वाग्भटाचार्य जी ने इंडिकेशंस क्या दिए हैं, ठीक है। तो इसके सिवा आज की भाषा में अगर कुछ व्याधियों को जोड़ना चाहेंगे तो इन व्याधियों को उसमें जोड़ सकते हैं जिसमें उसकी इफिकेसी बहुत ही अच्छी देखी गई है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, डायबिटिक फुट अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, थ्रोम्बोज्ड हेमोराइड्स यानी अर्श, ठीक है, इस प्रकार से टेनोसाइनोवाइटिस, विटिलिगो यानी जिसे हम पांड्रा श्वेत पुष्प भी कहते हैं, वार्ट्स और फूड कॉर्न, इन व्याधियों में भी उसके बहुत ही अच्छे उपयोग सिद्ध हुए हैं। ये कलेक्शन सामने जो देख रहे हैं कर्सी कलेक्शन है, मेरे खुद का कलेक्शन नहीं है, तो वहां से लिए हुए। देखिए विभिन्न प्रकार के वूंड्स जो है इसमें उपयुक्त है, हालांकि ये एक जननेन्द्रिय के पास में जो पीटिकाएं आए हैं उसके लिए जलौ का उच्चारण किया है। नॉन हीलिंग अल्सर्स रहते हैं बहुत बार, बहुत पुराने रहते हैं अल्सर्स, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उपयुक्त रहते हैं। वेनस अल्सर रहता है, ठीक है, उसमें उपयुक्त रहते हैं। इस प्रकार के कुछ कंडीशंस आपको इस अच्छा सा समझे टॉपिक इसलिए मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये बर्जर्स डिसीज है, डीप वेरिकोज वेन्स या थ्रम्बोसिस जिसे डीवीटी कहा जाता है उसमें भी ये बहुत उपयुक्त है, देन रेनॉल्ड्स, ठीक है, ऑस्टियोमायलेटिक वुंड्स, इनमें भी यह बहुत ही उपयुक्त ऐसी चिकित्सा पद्धति है। इसके सिवा आप यहाँ देखोगे ये थ्रम्बोज पाइल है, किसका, ये हिमोराइड्स का, एनल रीजन पे ये मास आया है, तो ये देखेंगे नॉन स्पेसिफिक नेजल इन्फ्लेमेशन में भी ये उपयुक्त है। यहाँ पे वेरिकोज वेन्स टिपिकल आप देखोगे यहाँ पे जो अपीयरेंस आइज है वेरिकोसिटी है पैर के ऊपर, वहां पे भी ये उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है, विशेषतः रक्त एवं पित्त व्याधियों में उपयुक्त ऐसी चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। आगे जाएंगे थोड़ा और जलौ का उच्चारण की ओर, यह है ध्यान देते हुए ग्रंथों के जो श्लोक है, दंशस्य तोदे कंडवा वा मोक्षये, यानी अगर प्रोसीजर चल रही है और बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को जहां जोंक लगी है वहां पे रक्त चूस रही है उसी स्थान पे सुई चबने जैसी पीड़ा हो जाती है या खुजली हो जाती है, तो जोंक को छुड़ाना चाहिए इमीडिएटली, और उस जोंक को छुड़ाने के लिए विशेषतः वहां पे क्या करना चाहिए, तो सिंपल आप एक हल्दी जो है यहाँ पे हल्दी देख सकते हैं आप, हल्दी की अगर एक चिमटी आप यहाँ पे डाल देंगे तुरंत वो छोड़ देती है, उसको बिल्कुल ही हल्दी पसंद नहीं इसलिए वो वहां पे बाइट किया हुआ पोर्शन जो है वो छोड़ देती है, और वहां पे आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जो उपचार बताया अष्टांग हृदयकार ने, तो तोद एवं कंडू, तोद यानी वेदना, चोट
चुभने सी वेदना, कंडू यानी खुजली, ऐसे लक्षणों को समझना चाहिए कि वह शुद्ध रक्त पी रही है। यानी कभी कभी मोहवशात जलों का भी एक प्राणी है वो शुद्ध रक्त भी पीने लग जाती है, तो इस वह ऐसे स्थिति में उसको हटाना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि वहां पे आप थोड़ा सा हल्दी की छिमटी डाल दीजिए वो तो निकल जाएगी, और दंश स्थान पे नमक का चूर्ण वहां पे आपने थोड़ा सा छिड़कना चाहिए या लगाना चाहिए, और मुख पर उसको ये वो दंश स्थान अगर नहीं छोड़ रही है अपने आप तो क्या क्या करना है वो मैंने बताया, हल्दी लगानी है या नमक का चूर्ण लगा सकते हैं या वहां पे पटु तैल ऐसे बताया, यानी तेल वहां पे आप अगर बूंद डाल दे तो वो छोड़ सकती है। तो मैंने जो आसान आपको मेथड बताई, इजीली अवेलेबल है, टर्मरिक पाउडर आप थोड़ा स्प्रिंकल कर दो वो तुरंत वहां से हट जाती है। उसके बाद उस स्थान के लिए चावल का चूर्ण वहां पे डालकर जो है उसका वमन करना चाहिए, यानी जलौ का जो है तो वमन करवाना चाहिए इस पद्धति से, ठीक है। यानी वो जलौ का जो है वो दोबारा यूज की जा सकती है, 8 दिन बाद यूज करते हैं जनरली। तो विशिष्टतः हम बोलेंगे कि भाई ये रिसर्च हो चुका है कि जलौ का एक व्यक्ति को लगाए तो उसको कॉन्टेमिनेशन जो है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं होती, अगर कोई कम्युनिकेबल डिसीज है तो, ठीक है। विशेषता HIV के बारे में वो लोग बहुत प्रिकॉशन पूछते हैं बार बार, तो उसके लिए व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं कि लेबल लगा सकते हैं किस दिन को किस व्यक्ति को लगाइए, उसका अगर लेबल लगा देंगे तो उसी व्यक्ति को वो जलौ का लगाए, और फिर उसका उपयोग होने के बाद उसमें निसर्ग में एक विशिष्ट जगह पे ताकि उसका दोबारा उपयोग कोई ना करे इस प्रकार से उसको किसी पानी में हम छोड़ सकते हैं। तो ये व्यावहारिकता हो गई, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो उस जलौ का को वमन कराना जरूरी है, उसके लिए चावल का चूर्ण यानी राइस पाउडर भी आप यूज सकते हैं, फ्लोर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे स्पष्ट बताया है यहाँ पे रक्षण रक्त मदान मदान भूयाह सप्ताहम तान पाते, यानी समुचित वमन अगर उस व्यक्ति को सॉरी वो जलौ का को नहीं किया गया तो उस व्यक्ति जलौ का को रक्तमद नामक विकार होता है, और इसलिए जलौकाओं की रक्षा करने के लिए हमने ये जलौकाओं का वमन जो है वो कराना जरूरी है, और उसके साथ 1 सप्ताह तक उसको नहीं लगाना चाहिए। अष्टांग हृदयकार हमें स्पष्ट करते हैं तो मिनिमम उसको 7 डेज गैप रखनी है पुनः उपयोग के लिए। अभी देखिए उस जलौकाओं का हमने सम्यक वमन किया है उसके लिए भी मार्गदर्शन आया है, पूर्ववत पटुता दार्ढ्यम इत्यादि, यानी रक्त वमन का सम्यक योग अगर हुआ है तो जोंक जो है वो पहले की भांति कुशलता तथा दृढ़ता सबलता प्राप्त करती है, यानी वो रक्त का अचुषण करने के बाद थोड़ी लेजी हो जाती है। आप अगर उसको किडनी ट्रे में रखोगे तब आप सिंपल वो हिल ही नहीं सकती, लेकिन उसका वमन आपने अच्छे से वमन करवाया तो बिल्कुल पहली भांति स्विम करती है दृढ़ता से और सबलता से, एनर्जी उसको लौट आती। अगर ज्यादा आपने उसको पिरोया या ज्यादा वमन उसका करवाया तो क्या होगा, तो जोंक जो है उसको सुस्ती या क्लम हो जाता है और वो मर भी सकती है, ठीक है। और इसके सिवा सम्यक योग और अति योग हमने देखा, मिथ्या योग के लक्षण बताए, दुर्वांते स्तब्धता मदाह, यानी वमन का मिथ्या योग अगर हो जाए तो जोंक में स्तब्धता आती है, यानी वो बिल्कुल ही इधर उधर नहीं घूमेगी, एक जगह पड़ी रहेगी, या उसको रक्तमद नामक असाध्य व्याधि हो जाएगा और इसमें उसकी प्रायः मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अतियोगात मृत्यु दुर्वांते स्तब्धता मदाह इस श्लोक में वो 44 नंबर श्लोक में ये बात आई। तो इस प्रकार से जलौकाओं के वमन के सम्यक योग अति योग और मिथ्या योग बताए, ओके। तो क्योंकि जलौ का ये हमारा शस्त्र है, अनुशस्त्र में से एक है, तो उसको हमने केयरफुली यूज करना है, इस प्रकार से उसको हमने केयर करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। आगे जो श्लोक आता है वो जलौकाओं के पालन के बारे में बताया है,
अन्यत्र अन्यत्रा ताहा स्थाप्या गठे, इस प्रकार से। तो जोंकों को उसके स्थानों से लाकर शुद्ध जल में या तालाब के जल में मिट्टी मिलाकर अलग अलग मिट्टी के घड़ों में रखना चाहिए। तो मृत पात्र सर्वश्रेष्ठ पात्र है, उसमें से आपको दिखनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बॉटल का चित्र लिया गया है। और फिर उसको खाने के लिए सिवार, ठीक है, यानी इसको विशेषतः जलचर प्राणियों के सूखे मांस, कंदों के चूर्ण, तो ये सोने के लिए कमल पत्र, यानी कुछ वनस्पतियों के पत्र भी उसमें डालने चाहिए, तो वहां पे वो आराम कर सके। अभी कंदों के चूर्ण ऐसा जो शब्द आया है, तो विशेषतः मराठी में जिसे सिंगाड़ा कहते हैं, तो अंग्रेजी में सिवार कहते हैं, उसका पाउडर या उसके छोटे छोटे टुकड़े भी आप डाल सकते हो। हर तीसरे दिन पानी को बदलना चाहिए और भोजन पदार्थ उस नए जल में फिर से डालने चाहिए। सबको अलग रखने का प्रयोजन यहाँ पे बताया है कि जोंकों के परस्पर लाला स्राव की एक दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, आज की भाषा में, इसके लिए वो अलग अलग रखना चाहिए उनको, यानी एक विशिष्ट पात्र में एक ही जलौका रखनी चाहिए इस पद्धति से। अभी जलौकावचरण का पश्चात कर्म नेक्स्ट श्लोक में बताया है, ठीक है। तो विशेषतः अशुद्धम चलितम स्थान स्थितम, इस श्लोक की ओर हम जाएंगे। रक्त श्रावण का फल पहले देखेंगे। ओ 146 नंबर श्लोक सबसे पहले देखेंगे, वो जो है वो रक्तावरोधक उपचार बताए। यदि शुद्ध रक्त दंशन स्थान से बह रहा है, तो वहां पे शतधौत घृत के पीछियों का दंश स्थान में उसको रखना चाहिए। तो शीतवर्य होने की वजह से, वो वहां पे लेप लगाने की वजह से स्तंभन कार्य होगा, वो जो बह रहा है रक्त वो शांत हो जाए, ठीक है। आगे वहां पे और एक चीज बताई है, विशेषतः अशुद्ध श्रावय दंशा, जो खट जाने के बाद दंश स्थान से यदि रक्त स्राव हो रहा है, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये हमने विचार करना चाहिए। और अगर वो अशुद्ध है, दूषित रक्त है, तो उसको बहने दे, और वहां पे ड्रेसिंग जो करना है वो हल्दी, गुड़ या शहद के साथ करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दूषित रक्त निकलता रहेगा। अगर आपको शुद्ध रक्त बाहर जा रहा है, ऐसे आपको कंफर्म है आप, तो वहां पे शतधौत घृत से ड्रेसिंग करना चाहिए। शतधौत घृत क्या है, एक रेसिपी है वृद्ध वैद्य की, यानी पारंपरिक पद्धति से चली जाए। 100 बार गाय के घी को पानी में धोना है, उसके लिए तांबे के पात्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही शीत गुणधर्म उसमें होने की वजह से वो रक्तस्राव जो है वो बिल्कुल ही कुछ समय में रुक जाएगा। आगे जो है वो रक्तस्रावण का फल बताया है, दुष्ट रक्त का आपगमना, इस पद्धति से श्लोक में आया है। दूषित रक्त के निकल जाने से रोगी को पीड़ा जो होती है या उसकी जो वेदना है वो शांत हो जाती है, और उस स्थान पर दिखलाई पड़ने वाली लालिमा भी तात्काल कम हो जाती है। तो ये इमीडिएट उसके इफेक्ट, राग रुजाम शमाहा, राग यानी लालिमा, रुजा यानी वहां पे होने वाली वेदना, ये बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। आगे जाएंगे, अशुद्धम चलितम स्थान स्थितम, इस श्लोक में पुनः रक्त श्रावण किस वक्त आवश्यक है वो बताया है। यदि अशुद्ध या दूषित रक्त रुग्ण स्थान से विचलित होकर जोंक द्वारा किए गए घाव पर आकर रुक गया हो, तो वहां आया हुआ रक्त बासी होकर खट्टा हो जाता है, इसीलिए उसी स्थान पर, यानी आपको लगता है कि भाई एक जलौकाओं से या एक सेटिंग से काम नहीं हुआ, तो तीसरे दिन फिर वहां पे जलौकावचरण आपने उसी स्थान पे करवाना है, ठीक है। आगे जाएंगे, अभी ये अलाबु यंत्र का प्रयोग जो है वो नेक्स्ट श्लोकों में आया है। और पित्त दोष द्वारा दूषित हुए रक्त का श्रावण अगर आपको करना है, तो अलाबु घटिका, जिसे तुम्बी कहते हैं, उस यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जलौका का ही प्रयोग करना चाहिए। आगे जो है एक सिंपल एक चार्ट है, उसको हम देखेंगे। हाँ, यही
तो श्रृंग का उपयोग कहाँ करते हैं, शिरावेद कहाँ करेंगे, प्रक्षान कहाँ करेंगे, ये क्लियरली यहाँ पे दिया। श्रृंग हमें पता नहीं है, आगे हम उसके प्रोसीजर देखेंगे। यानी गाय के सींग का इस्तेमाल किया जाता है आचूषण के लिए, तो विशेषता वात दूषित रक्त है। ओके, तो उस स्थान में, उस जगह पे ये किया जाता है। विशेषता लक्षण कैसे रहेंगे, कंडू यानी खुजली है, सुप्तता यानी वहां पे बाधिर्य आया हुआ है, और वहां पे स्पर्शनाश यानी स्पर्श का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे वक्त पे श्रृंग का इस्तेमाल करना चाहिए। शिरावेद क्या है, साक्षात आपको जो नीडल है वो वहां पे लगा के वहां उस जगह पे रक्तस्राव कराना है, ये शिरावेद विधि अध्याय में हम देखेंगे। तो त्रिदोष दृष्टि जब रक्त की रहेगी उस वक्त शिरावेद इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है वो प्रच्छान, जो आगे हम देखने वाले हैं, ये उत्तान यानी बहुत ही सुपरफिशियल दोष अगर है तो उस वक्त करना है, और जलव का विशेषता पित्त दूषित रक्त में यूज करनी है। विशेषता और स्थिति दिए, अवगाढ़ यानी गंभीर बहुत डीप दोष है और त्वक स्थित दोष है तो इस वक्त, और विशेषता सुकुमार व्यक्तियों के लिए विशेषता तोद यानी चुभने से पीड़ना पीड़ा, और दाह यानी बर्निंग सेंसेशन। घटी यंत्र विशेषता कफ और वात, ये दृष्टि रहेगी तब। अभी विशेषता पित्त दूषित जब रक्त रहेगा तो वहां पे घटी यंत्र यूज नहीं करना है या अलाबु यंत्र यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें अग्नि संयोग रहता है या अग्नि का भी वहां पे संपर्क रहता है, किस पद्धति से हम आगे देखेंगे, इसलिए वहां पे नहीं करना है। अभी ये अलावु यंत्र प्रयोग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है तो वो आगे देखेंगे हम। कफेन दुष्टम रुधिरम न श्रृंगेन विनिर्हरेत, इस प्रकार इस श्लोक में श्रृंग यंत्र का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, तो कफ दूषित से जहां पे रक्त रहेगा वहां पे नहीं करना है। ठीक है, अलावु यंत्र कहाँ नहीं करना है, कफ एवं वात दोष से दूषित रक्त धातु है वहां पे उसका प्रयोग करना है अलाबु यंत्र का। जैसे हमने इस श्लोक में देखा, थोड़ा सा मैं भी आपको बताते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए ये आप अगर चार्ट आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अलाबु यानी क्या है, तो एक प्रकार का ये बॉटल गार्ड यानी एक प्रकार का कद्दू है विशिष्ट आकार वाला, उसको ड्राई करने के बाद उसका अगर आप गुदा निकाल दे, इस प्रकार को उसको हॉलो कर दे, तो इसको इस यंत्र को ही यंत्र जैसा इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसको अलाबू कहते हैं। ठीक है, तो ये आज की भाषा में जो है ये अलाबू जो है इसी प्रकार से यूज की जाती है। तो पहले इस अलाबू का वर्णन देखेंगे और फिर जाएंगे। गात्रम बद्धोदरम दृढ़म रुज्वा पट्टेन वा समम, तो विशेषतः प्रच्छान करने के बाद, देखिए प्रच्छान क्या है वो देखेंगे पहले। ये है प्रच्छा, ठीक है, प्रच्छान को पहले देखेंगे। तो प्रच्छान यानी क्या है, तो इंसाइजिंग टू प्रोसीजर फॉर ब्लीडिंग। तो सबसे पहले एक स्कैल्पेल ब्लेड से सुपरफिशियल, ऐसे देखेंगे आप यहाँ पे धाराएं दिख रही है आपको इस चित्र में, स्कैल्पेल ओके, रुग्ण के सर पे यहाँ पे धाराएं दिख रही है आपको, तो बहुत ही सुपरफिशियल ऐसे आपको स्कैल्पेल ब्लेड से छेद लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस व्यक्ति को लिया जा रहा है और ये उसका क्लोजअप है। ठीक है, तो ऐसे लेने के बाद फिर यहां से जो रक्त स्राव हो जाए अपने आप नेचुरली स्राव हो जाए उसको प्रच्छान कर्म कहेंगे, स्थानिक रक्त मोक्षण की पद्धति। और प्रच्छान कब किया जाता है, तो हमने इस बिल्कुल यहाँ पे देख लिया कि प्रच्छान किया जाता है जब उत्तान दोष रहते हैं यानी बहुत ही सुपरफिशियल रहे। ठीक है, और एक देश पिंडित रक्त यानी एक ही जगह वह एक्यूमुलेशन हो गया है दुष्ट रक्त का उस वक्त। अभी प्रच्छान करने के बाद उस रक्त को ज्यादा निकालना है तो उसके लिए फिर इस अलाबु का प्रयोग किया जाए, यानी ये जो सरफेस है ये कटा हुआ वो उस स्थान पे रखना है, देखिए इस पद्धति से, और फिर इसको आचूषण करना है। अभी आप समझोगे कि ये थोड़ी ये है अलाबू है, नहीं ये कप है, तो कपिंग थेरेपी
बोल के एक अल्टरनेटिव थेरेपीज में प्रसिद्ध पद्धति है। तो उसमें क्या चीज किया जाता है, ट्रांसपेरेंट ऐसे कप रहते हैं और ये सकिंग एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो वहां से उसकी वैक्यूम क्रिएट कर जाएंगी तो ब्लीडिंग वहां से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कप भी यूज कर सकते हैं अलाबू के अल्टरनेटिव ऐसे। या कभी कभी क्या किया जाता है कि उसको ब्लीड नहीं किया जाता, केवल वहां पे एकत्र दोष हो जाए इसके लिए विदाउट प्रच्छा यहाँ पे कपिंग किया जाता है। यहाँ पे इनको प्रच्छन किया है और फिर कप में देखिए यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ है वहां पे, तो उसको निकाला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ये नहीं किया है। ठीक है, ये भी कलेक्शन ही है इंटरनेट में से किया हुआ, और फिर वहां उस स्थान पर इकट्ठा करने के बाद, एक्यूमुलेशन दोषों का करने के बाद, वहां पे उसको देखिए सूची से यहाँ पे उसको पेनेट्रेट किया जा रहा है और ब्लड को बहने दिया जा रहा है, स्राव होने दिया। तो अलाबू है ट्रेडिशनल मेथड है, और कपिंग जो है वो आजकल रिसेंट एडवांसमेंट कहेंगे। अलाबू से मेडिसिनल बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा अलाबू जो है विशेषतः अलाबू का उपयोग जो है वो कफ एवं वात दूषित रक्त के लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है, हमने ग्रंथों का अगर अध्ययन किया तो वहां से हमें पता चलता है। और कपिंग में ऐसा कुछ नहीं है, वो हर कोई स्थिति के लिए यूज किया जा सकता है। तो लेकिन अलाबू जो है वो डिफिकल्ट है फॉर मैनिफेस्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। कपिंग बहुत ही इजी है इंस्ट्रूमेंटेशन होने की वजह से। अलाबू में क्लीन करना अलाबू या इत्यादि चीजों को, ये सेल्फ एक टफ टास्क है, और कपिंग जो है वो इजी है। इसका मॉडिफिकेशन भी अच्छे से किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो पहले से क्या किया आपने, कपिंग कर लिया। ठीक है, कपिंग में क्या हुआ, दोष एक जगह इकट्ठा हो गए और फिर आपने रक्तमोक्षण करवाया। ठीक है, ड्राई कपिंग करवाया आपने, कोई छेद नहीं, और फिर वहां पे जलाऊकाएं लगाई। यहाँ पे आपको छोटी छोटी जलाऊकाएं दिख रही है, उसके ऊपर ये ये जो है कार्पास पिचू या कॉटन जो है पानी में भिगोया हुआ वो रखा है। अभी ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एक प्रकार ऐसे फ्यूजन भी किया जा सकता है जो चिकित्सा के लिए हमने करना भी चाहिए आगे जाकर। ओके, तो प्रच्छान्न को तो हमने पहले ही देख लिया, गात्रम बद्धो परि दृढ़म रज्ज्वा पट्टेन वासमम। इस श्लोक में जो विशेषता है वो प्रच्छान्न कर्म में, यदि शाखाएं यानी हाथ और पैर इसमें पच्छ लगाकर रक्त निकाला हो तो उस स्थान में पच्छ लगाकर यानी क्या, वहां पे वहां बांधना है उसको, तो 5-7 अंगुल ऊपर उस अवयव को रस्सी या पट्टी से कसकर बांधकर तब पच्छ लगाना चाहिए। पच्छ लगाना है यानी वो प्रच्छान्न के लिए जो छेद लगाए जाएंगे उसको पच्छ लगाना ऐसे कहा है यहाँ पे। ध्यान रहे यह जो प्रच्छान्न कर्म है वो स्नायु संधि अस्थि मर्म इन स्थानों को छोड़कर करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से, और वो एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो विशेषतः एक स्थान स्थित रक्त को पच्छ लगाकर यानी प्रच्छान्न कर्म से उसको हमने निकालना है उन दोषों को। ग्रंथि और अर्बुद ऐसे स्थितियों वाले गठी गठिले यानी जिसमें ग्रंथि ज्यादा है, ऐसे रक्त को जोंक लगाकर यानी जड़ों का उच्चारण से, और जहां रक्त सुन्न पड़ा है जहां पे बाधिर्य है ऐसे स्थिति में श्रृंग यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और अगर संपूर्ण शरीर में दोष फैले हुए हैं तो शिरावेध करना चाहिए, जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट अध्याय में उसका विस्तार से वर्णन है। ओके, तो इस प्रकार से हमें कहाँ कौन सी स्थिति करनी है या कौन सा हमने अनुशस्त्र उपयोग करना है, प्रच्छान्न कब करना है, अलाबु कब, जलौकाचरण कब, ठीक है, श्रृंग कब, इसका वर्णन इस श्लोक में हमें, श्लोक नंबर 52 से 53 तक आता है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहला देखा एक श्लोक में, प्रच्छान्न पिंडिते वास्यात अवगाढ़े जलौकसाः, तो यहाँ पे देखिए प्रच्छान्न जब जो लोकलाइज दोष है, तो जलव का अगर डीप गंभीर दोष है तो अलाबु घटी श्रृंग कब है, तो त्वचा में स्थित यानी ज्यादा पेरिफेरी में दोष है तो शिरावेध कब करना है, तो जब दोष पूरे शरीर में अगर वो पहले हुए हैं तब उसको शिरावेध करना है, यानी स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए श्रृंग जलव का अलाबु प्रच्छान्न ये कर्म करने चाहिए स्थानिक रक्त मोक्षण के लिए, और सार्वदेहिक रक्त मोक्षण के लिए शिरावेद कर्म या शिरावेदन या शिराव्यध भी कहते हैं वो करना चाहिए।
और अगर उसको और थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें ग्रंथों में दिखाई देता है कि श्रृंग का कब प्रयोग करना चाहिए। रक्त दुष्ट है लेकिन वात दोष की वजह से दूषित रक्त है। पित्त दोष से दूषित रक्त में जलौका का प्रयोग करना चाहिए और कफ दोष से दूषित रक्त में अलाबू का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अभी श्रृंग बहुत बार शब्द आया, तो श्रृंग है क्या? तो प्रच्छान करने के बाद ये जो पोर्शन है ब्रॉड वाला वो रुग्ण के शरीर पे रखेंगे, जैसा कप रखा था, और इस ओर से उसको सक कहेंगे। वो पहले वो मुंह से भी किया जाता था और आजकल इस प्रकार देखिए, ये हॉर्न को या अरेंजमेंट किया है, माउथ में ले सकते हैं या फिर उसको इस चित्र में जैसे दिखाया है वैसे एक सक्शन का ट्यूब लगा के यंत्र से भी इसको सक किया जाएगा। तो उसमें प्रेशर कितना है ये नापने के लिए भी वहां पे लगाया है और फिर ये रक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा उस स्थान से निकलेगा। इसको श्रृंग पद्धति से स्थानिक रक्त मोक्षण करवाना कहते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे तो जो तुम्बी या श्रृंगी यंत्र है वो त्वचागत रक्तों के निकालने के लिए है, जैसा अभी हमने देखा उसको श्रृंग को ही श्रृंगी यंत्र भी कहते हैं। आगे जाएंगे, विशेषतः शिरा वेद जो है वो संपूर्ण शरीर में रक्त फैल जाए उस वक्त करते हैं, ये भी हमने देखा। अभी देखिए आगे जो फ्लो, यहाँ पे अभी स्लाइड में आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वातादि धामम वा श्रृंग जलौका अलाभुभिः क्रमात्, यानी जैसा हमने अभी यहाँ पे कंसाइज एक शॉर्ट देखा, ये जो श्लोक है वो 55वें श्लोक में आया है कि श्रृंग का उपयोग जो है विशेषतः वात दूषित रक्त में, जलौका का उपयोग पित्त दूषित रक्त में और अलाबू का उपयोग कुप्प दूषित रक्त में करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 55वें श्लोक में, हमें बिल्कुल क्लियर वाग भट्टाचार्य जी ने बता दिया। अभी इस श्लोक से इस अध्याय की समाप्ति होती है, सता सृजा श्रुता सृजा इत्यादि। तो विशेषतः इस रक्त श्रावण जो पद्धति रक्त मोक्षण की हम देख रहे हैं, इसमें रक्त श्रावण कर्म करने के बाद निकला हुआ जो रक्त है उसको रोकने के लिए कभी कभी हमें तकलीफ होती है, क्योंकि एंटीकॉगुलेंट लाला स्राव में या स्राव में उस जलौका के होते हैं या फिर श्रृंग के भी हो सकते हैं या कभी कभी और जगह भी हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त उसको उस शरीर पे या उस स्थान पे शीतल लेप लगाना है। ठीक है, और वात प्रकोप भी वहां पे हो सकता है क्योंकि अगर धातु का क्षय हुआ तो वात दोष बढ़ता है, आपको पता है। उस स्थान पर अगर तोद यानी चुभने जैसी पीड़ा, कंडू यानी खुजली, सूजन, स्वेलिंग एटसेट्रा, ये उपद्रव अगर हो जाए तो वहां पे शीतल उपचार तो रोकने के लिए हमने कर दिए रक्त स्तंभन के लिए, लेकिन अगर वहां पे तोद कंडू सूजन ये उपद्रव हो जाए तो उस स्थान पर गुनगुने यानी कोष्ण ल्यूक वॉर्म घी से सेचन करना चाहिए, यानी उसकी धारा बिल्कुल वहां पे करनी चाहिए, तो ये उपद्रव की शांति हो जाती है। इस प्रकार अन्य वेदनाओं की वहां के शांति का उपाय भी सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में आया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रक्त मोक्षण के विषय में डिटेल में, बहुत डिटेल में जानने का प्रयास किया। ये केवल जलों का उच्चारण नहीं है लेकिन श्रृंगी यंत्र, अलाबु यंत्र, घटी यंत्र। तो घटी यंत्र क्या है तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्याय में हमने देखा था, पिछले इसी अध्याय के पहले पार्ट में हमने देखा था कि जैसे अलाबु का उपयोग किया जाता है वैसे ही घट का उपयोग वहां पे रखा जाता है। और वो घट रखने से पहले वहां पे कर्पूर एक छोटी सी क्या बोलेंगे बाउल में जलाया जाता है और वहां पे घट रख दिया जाता है उसी स्थान पे प्रच्छान करने के बाद। तो उससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, ऑक्सीजन तो वो अग्नि जो है वो ले लेगा और वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा और उससे वो ब्लड का ऊजिंग ज्यादा होगा, उसको घटी यंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जलौकावचरण के डिटेल्स देखे, ठीक है, प्रच्छान, श्रृंगी, देन अलाबु और घटी यंत्र, और फिर जलौकाओं के डिटेल्स थोड़े ज्यादा हमने देखे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम आज रुकते हैं।
अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे दोबारा। थैंक यू।